हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो ये वीडियो है पार्ट नंबर 18 गुजरात एंड उत्तराखंड इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन की एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से तो so, पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बिलो अबाउट हारमोन्स इज ट्रू हारमोन्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हॉर्मोन्स आर एनजाइम्स दैट कैटेलाइज रिएक्शंस तो हॉर्मोन्स जो हैं वो एन्जाइम्स नहीं होते हैं जो कि रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं तो so ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देन हारमोन्स आर रिलीज इन टू द ब्लड सर्कुलेशन तो जो भी हारमोन्स होते हैं वो हमारे सर्कुलेटिंग मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है देन हॉर्मोन्स अफेक्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी तो हॉर्मोन्स जो हैं वो बॉडी के सभी सेल्स को इफेक्ट नहीं करते हैं कोई भी पर्टिकुलर हॉर्मोन है वो हर एक सेल को जो है वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट है हॉर्मोन्स आर रिलीज बाई एट साइनेप तो जो हॉर्मोन्स हैं वो न्यूरॉन्स पे रिलीज तो होते हैं लेकिन बहुत कम जो है वो रिलीज होते हैं फॉर एग्जाम्पल वो हाइपोथेलमस में मेनली रिलीज होते हैं ना कि साइनेप्सिस में तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है तो करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी ऑप्शन बी सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉर्मोन्स आर सोलिबल इन ब्लड ब्लड में कौन से हॉर्मोन्स जो हैं वो सोलिबल रहते हैं स्टीरोइड हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एडनल कॉर्टेक्स सेक्स हॉर्मोन्स और दोज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स तो वो हॉर्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो हमारे ब्लड में सोल्यूबल रहते हैं सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथेलमस इज करेक्ट हाइपोथेलमस के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करनी है तो so, हाइपोथेलमस जो है वो रिलीजिंग हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है इसमें स्टेटमेंट दी गई है द हाइपोथेलमस सिक्रीट रिलीजिंग हॉर्मोन तो ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है बाकी यहाँ पे हाइपोथेलमस सिक्रीट एपीनेफ्रिन एंड नो तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो एपिनेफ्रिन एंड नो है वो आपके एडर्नल मेडुला में सिक्रीट होते हैं सो तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हार्मोन डज द थायराइड प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन थायरॉयड प्रोड्यूस करता है सो so, ये हार्मोन होता है थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन जो है या फिर टेट्रा आइडो थायरोनिन -थाइरो, इसे कहा जाता है तो so, ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायरॉयड ग्लैंड से जो कि ट्राई आइडो थायरोनिन में कन्वर्ट होता है लार्ज टिश्यूज़ में सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हार्मोन डज द एडेनल मेडुला प्रोड्यूस एडेनल मेडुला कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है सो इट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉर ये दोनों प्रोड्यूस किए जाते हैं किससे एडेनल मेडुला इन्हें प्रोड्यूस करता है इन दोनों हार्मोन्स को सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बाकी एल्डोस्टिरोन जो है वो मिनरलोकोर्टिकोइड है जो कि कोर्टिकोस्टिरड्स और ग्लूको की तरह ही होता है एंड uh, ये प्रोड्यूस होते हैं एडर्नल कोर्टेक्स से सो so, जिसमें भी आपको टर्म दिखेगी जैसे आ गई टर्म सो so, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि वो एडर्नल कोर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास पेनक्रियास के बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं सो दे प्रोड्यूस इंसुलिन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और जो अल्फ़ा सेल्स होते हैं वो आपके ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड और ऑर्गन रिलीज अरिथ्रोपोइटिन अरिथ्रोपोइटिन कौन सा ग्लैंड या फिर कौन सा ऑर्गन रिलीज करता है सो इट इज़ किडनी किडनी जो है वो प्रोड्यूस करती है आपके अरिथ्रो पोइटिन को जो कि सिग्नल करती है रेड बोन मैरो को ताकि आर की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके ठीक का है ये यूज भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट अफेक्ट बट इफेक्ट डज पैराथाइरोड हॉर्मोन हैव तो पैराथाइरोड हॉर्मोन का क्या इफेक्ट रहता है तो so, जो पैराथाइरोड हॉर्मोन्स हैं वो प्लाज्मा कैल्शियम कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं So, इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इनमें से कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है एजलेट्स ऑफ लेंगर हेंड्स पेनक्रियाटिक एजलैट्स हैं द थारॉयड ग्लैंड द एनी सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज एंड द पैरा ग्लैंड सो इसमें जो एक्नी सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द डिफरेंस बिट्वीन एन एक्जोक्राइन ग्लैंड एंड एन एंडोक्राइन ग्लैंड एक्जोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफ्रेंस रहता है सो so जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड में सिक्रीट होता है जबकि एग्जोक्राइन ग्लैंड ब्लड में सिक्रीट नहीं होता है ठीक है सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट इन टू द ब्लड एंड एन एग्जोक्राइन ग्लैंड डज नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वट टर्म आर हॉर्मोन्स डिराइव फ्रॉम टाइरोसिन ऑल्सो नॉन सो किस टर्म से हॉर्मोन्स को जाना जाता है जो कि टाइरोसिन से डिराइव्ड होते हैं सो दीज आर कैटेकोलामाइन्स ठीक है ये होंगे हमारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है टाइरोसिन अमाइनो एसिड है सो ये रहेंगे हमारे अमाइनो एसिड बाकी जो बाकिटेकोलामाइन्स हैं जैसे कि एडेनोलिन नॉर एडनोलिन या फिर आपका डोपामाइन हो गया या थारॉयड हार्मोन्स हो गए ये सारे ही टाइरोसिन से डिराइव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉर्मोन्स रिसेप्टर्स इनसाइड देयर टारगेट सेल्स तो किन हॉर्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो उनके टारगेट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं सो दीज आर हॉर्मोन्स विद अ मेम्ब्रेन कैरियर मैकेनिज्म और दैट आर लिपिड सोलेबल सो ऐसे हॉर्मोन्स जिनमें मेम्ब्रेन कैरियर मैकेनिज्म होता है यार जो कि लिपिड सोलेबल होते हैं वो हॉर्मोन्स जो हैं उनके रिसेप्टर्स जो हैं वो टारगेट सेल के अंदर पाए जाते हैं इनसाइड पाए जाते हैं सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इन द बॉडी इज द हाइपोथेलमस लोकेटेड तो हाइपोथेलमस कहाँ पे लोकेटेड रहता है बॉडी में सो इट इज लोकेटेड ऑन द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रेन ब्रेन के इंफीरियर सर्फेस पे ये लोकेटेड रहता है सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द एंटी डायरेटिक हॉर्मोन एंड ऑक्जिटॉसिन रिलीज एंटी डायरेटिक हॉर्मोन और ऑक्जिटॉसिन कहाँ से रिलीज होता है तो इट इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ठीक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है आपका एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन एंड ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉर्मोन हैज द एलिमेंट आयोडीन एज पार्ट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल कौन से हॉर्मोन में आयोडीन एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है सो so ये आपका होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में आयोडीन जो है आयोडीन एलिमेंट जो है वो थायरोक्सिन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इफेक्ट डज एल्डोस्टिर है एल्डोस्टिर क्या इफेक्ट रहता है तो so, एल्डोस्टिरोन जो है वो सोडियम आइंस को ऑब्जॉर्व करवाता है किडनीज में ठीक है एल्डोस्टिर जो है वो सोडियम आइंस को ऑब्जॉर्व करवाता है किडनीज में सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इनमें से कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है द थैलेमस पेनक्रियाटिक आइलेट्स रीनल ग्लैंड और स्टलाइब्रिक ग्लैंड तो जो पेनक्रियाटिक आइलेट्स हैं वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट रहता है सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमायनो एसिड डेरीवेटिव हॉर्मोन अमायनो एसिड डेरीवेटिव हॉमोन कौन सा है इनमें से एपिनेफ्रिन टाइरोसिन टेस्टोस्टिरोन और प्रोस्टाग्लैंडिन, तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन आपका रहता है एपिनेफ्रिन सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू ऑफ स्टीरोड हार्मोन्स? स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रू है सो दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर टू वाइंड विद सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दे आर नॉट लिपिड सोलिबल टू वाइंड टू अ रिसेप्ट प्रोटीन्स ऑन द मेम्बरेन ऑन द सेल मेम्बरेन ये स्टेटमेंट विनकरेक्ट है दे आर लिपिड सोलिबल सो डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्बरेन सो ये लिपिड सोलिबल्स होते हैं लिपिड सोलिबल होते हैं ताकि ये सेल मेम्बरेन से डिफ्यूज हो सके सो so, ये स्टेटमेंट करेक्ट है दे क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन बाय अ कैरियर मैकेनिज़म तो कैरियर मैकेनिज्म से ये ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं और सिंपल डिफ्यूजन से भी ये हो सकते हैं तो so, इसमें स्टेटमेंट सी जो है वो करेक्ट रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम सो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है और जो भी आपकी नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम की एक्टिविटीज हैं उनको इंटीग्रेट करता है सो इट इज हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस जो है वो आपकी नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू विच वन इनमें से ट्रू स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है सो स्टेटमेंट वन है the anterior pituitary produces testosterone from cholesterol and releases it when releasing hormone arrive from the hypothalamus ठीक है सो so, जो टेस्टोस्टेरॉन है वो पिट्यूटरी में प्रोड्यूस नहीं होता है सो so, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस एडीएच एंटीडायुरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन विच आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है जो आपका हाइपोथेलमस है वो एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन एंड ऑक्जिटॉसिन को प्रोड्यूस करता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सो इसमें ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडिन इज एन असेंशियल कम्पोनेंट ऑफ विच हॉर्मोन आयोडिन किस हॉर्मोन का असेंशियल कम्पोनेंट है सो इट इज थायरॉयड हार्मोन। थायरॉयड हार्मोन का असेंशियल कंपोनेंट आपका रहता है आयोडीन। एंड थाइरऑक्सिन में ये प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इंक्रीजिज द री रीऑब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द किडनी टेब्यूल तो कौन सा हार्मोन जो है वो कैल्शियम आयन्स की रीऑब्जॉर्बन इंक्रीज कर देता है किडनी टिब्यूल के फिल्ट्रेट से सो इट इज पैराथायरॉइड हॉमोन इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रीअब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम आइंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द किडनी टिब्यूल नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इफ़ेक्ट डज एल्डोस्टिरोन हैव इट कॉजेज तो एल्डोस्टिर क्या इफेक्ट रहता है तो so, एल्डोस्टिर जो है वो सोडियम आयंस को एक तो किडनी में ऑब्जॉर्व करवाता है एंड सोडियम आइंस सो जो सोडियमाइंस ऑब्जॉर्व होते हैं फिल्ट्रेट से और पोटेशियम uh, आयंस जो है वो सिक्रीट होते हैं इन टू द फिल्ट्रेट ठीक है पोटेशियम आइंस ऑब्जॉर्व होते हैं फिल्ट्रेट से जबकि पोटेशियम आइंस जो है वो सिक्रीट होते हैं इन टू द फिल्ट्रेट इसमें स्टेटमेंट डी जो है वो ये करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलिंग इज नॉट पार्ट ऑफ़ द एंड्राइन सिस्टम इनमें से एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है तो थाइमस पीनीअल ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये तीनों आपके एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स हैं जबकि एक्नी सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज इट इज़ नाट द पार्ट ऑफ द एंड्राइन सिस्टम रैदर जो एक्नी सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को नेक्स्ट क्वेश्चन है पैप्टाइड हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच स्ट्रक्चर पैप्टाइड हारमोन कौन प्रोड्यूस करता है सो इट इट आर दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथेलमस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू स्टीरोइड हॉर्मोन्स स्टीरॉयड हारमोन्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो so जो स्टीरॉयड हारमोन्स हैं वो आपके सेल साइटोप्लाज्म पे बाइंड करते हैं या फिर न्यूक्लियस पे दे बाइंड टू सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ठीक है जो भी सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे आपके स्टीरोयड हार्मोन्स जो हैं वो बाइंड करेंगे तो इसमें स्टेटमेंट डी जो है वो करेक्ट रहेगी स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंडोक्राइन ऑर्गन प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन तो so, कौन सा एंडोक्राइन ऑर्गन जो है वो रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स दोनों प्रोड्यूस करता है सो इट इज़ हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस जो है वो आपका इनहिबिटरी हार्मोन्स एज वेल एज रिलीजिंग हार्मोन्स दोनों को प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉर्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड कौन सा हारमोन जो है वो पैराफोलिकुलर सेल्स को प्रोड्यूस करता है ठीक है पैरा पैराफोलिकुलर सेल्स से प्रोड्यूस होता है ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड सो दिस हार्मोन इज पैराफिकुलर कैल्सीटोनिन ये है आपका कैल्सीटोनिन कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो थाइरोयड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है थायरॉइन ग्लैंड में किससे पैराफोलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं आपके कैल्सी को सो so, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय द एडेनल मेडुला एडनल मेडुला से कौन से हॉर्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं सो एपिनेफ्रिन और नॉन ये जो है वो आपके एडनल मेडुला से प्रोड्यूस होते हैं सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है so, विच इज़ वन मैकेनिज़म ऑफ हॉर्मोन एक्शन इनमें से हॉर्मोन एक्शन का एक मैकेनिज़्म कौन सा है सो so, जो हारमोन का एक्शन रहता है वो बेसिकली ये जो भी न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं हमारे हॉर्मोन्स सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडीएच एंटी डायबिक हॉर्मोन का क्या इफेक्ट रहता है तो so एडीएच जो है वो आपका अलो करता है वॉल्स ऑफ़ द कलेक्टिंग डक्ट को टू बिकम परमिएबल टू वाटर वाटर के लिए परमिएबल हो जाए हमारी कंडक्टिंग डक्ट्स तो इस चीज़ को अलो करता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पेप्टाइड हॉर्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है सो पेप्टाइड हॉर्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल दे आर डिराइड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स देयर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म पे लोकेटेड नहीं होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड डिजोल्व इन ब्लड ठीक है ब्लड में डिज़ोल्व होकर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो so, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी रहेगी ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय द एडेनल मेडुला एडनल मेडुला किस हॉर्मोन से प्रोड्यूस होता है ठीक है एडनल मेडुला कौन से हॉर्मोन को प्रोड्यूस करता है सो इट इज कैटेकोलामाइंस जिसमें आपके एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आ जाते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आपके एडनल मेडुला से सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू स्टीरोड हारमोन्स डिफर फ्रॉम अमाइनो एसिड बेस्ड हॉर्मोन्स तो जो स्टीरोड हार्मोन्स हैं वो अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन से कैसे डिफरेंट हैं सो इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके स्टीरोयड हार्मोन्स के ऊपर वो सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे होते हैं एंड अमाइनो एसिड बेस्ड हारमोन्स के नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के ऊपर सो so, इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम सो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है तो दिस इज आपका हाइपोथेलमस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस एडीएच एंड ऑक्सीटॉसिन एडीएच एंटी डायटिक हॉर्मोन और ऑक्सीटोसिन को कौन प्रोड्यूस करता है सो इट इज हाइपोथेलमस और स्टोर होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ स्ट्रक्चर इज कम्पोज ऑफ ग्लैंडुलर एपीथीलियल टिश्यू ग्लैंडुलर एपीथीलियल टिश्यू से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है तो so आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसकी कंपोजिशन ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज द वन मेड इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी बाय द थारॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन जो है वो थाइरॉइड ग्लैंड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता है सो so, ये आपका रहता है थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ठीक है ये अबाउट नाइन्टी परसेंट टेट्रा आइडो और टेन परसेंट ट्राई आइडो थायरोनिन से बना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर नॉट एंडोक्राइन ऑर्गन्स इनमें से कौन से एंडोक्राइन ऑर्गन्स नहीं हैं सो रीनल ग्लैंड जो है रीनल जो है वो एक आपका एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है बाकी एडनल थायरॉयड एंड पैराथाइरयड ये तीनों ही आपके एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स डज एल्डोस्टिरोन बिलोंग सो एल्डोस्टिरोन किन हॉर्मोन्स को बिलोंग करता है सो इट इज़ मिनरलो क्वाल्टिकॉइड्स अल्डोस्टिर जो है वो मिनरलो कोर्टिकोइड्स ग्रुप ऑफ हारमोन्स को बिलोंग करता है सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द रिसेप्टर्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड डिराइड हॉर्मोन्स लोकेटेड तो जो भी अमाइनो एसिड डिराइड हारमोन्स हैं उनके रिसेप्टर्स कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं सो दे आर लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्रीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिस द हॉर्मोन्स ए डी एच एंड ऑक्सीटोसिन, तो कौन प्रोड्यूस करता है ए डी एच एंड ऑक्सीटोसिन को मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस कर लिया सो इट इज हाइपोथेलमस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोथेलमस प्रोड्यूसिज रिलीजिंग हारमोन्स वट डू दिज रिलीजिंग हार्मोन्स डू जो हाइपोथेलमस है वो रिलीजिंग हारमोन्स को प्रोड्यूस करता है सो so, ये जो रिलीजिंग हारमोन्स हैं ये क्या करते हैं सो दीज रिलीजिंग हारमोन्स डायरेक्ट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज हॉर्मोन्स ठीक है एंटीरियर so, पिट्यूटरी को डायरेक्ट करते हैं कि वो हारमोन्स को रिलीज करें सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन ग्लूकागोन और इंसुलिन का क्या रोल रहता है सो so, जो इंसुलिन है वो आपके ब्लड ग्लूकोस लेवल को लोअर करता है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इनहिबिट करता है सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा तो so, यहाँ पे हमने टोटल फोर्टी फाइव एम सी की क्वेश्चन इंडोक्राइन सिस्टम से कम्प्लीट कर लिए हैं रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे सो so, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच